नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपी न्यूज और स्वागत है आपका हमारी खास रिपोर्ट में। मैं हूं आपके साथ अभिलाष। अब बात थोड़ा सा एंटरटेनमेंट जगत की करते हैं। दरअसल आज 7 जून है और 7 जून को जन्मदिन है टीवी की दुनिया की एक ऐसी प्रोड्यूसर डायरेक्टर का जिन्होंने अपने दम पर एक अहम मुकाम बनाया, कई ऐतिहासिक सीरियल्स दिए, कई ऐसे एंटरटेनमेंट के प्रोग्राम्स दिए जिन्हें आज भी हम याद करते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एकता कपूर की, जिन्होंने अपने दम पर गजब का मुकाम बनाया, टीवी की दुनिया में एक नया इतिहास रचा, साथ ही फिल्मों में भी जमकर जौहर आजमाया। तो चलिए जानते हैं एकता कपूर के बारे में, जिन्होंने क्योंकि सास भी कभी कभी बहू थी जैसे सीरियल्स बनाए, जिन्होंने कहानी घर घर की जैसे सीरियल्स बनाए और जो अब कई ऐसे सीरियल्स बना रही हैं जो वाकई में तारीफ बटोर रहे हैं और जिनकी TRP काफ़ी हाई रहती है। तो चलिए दिखाते हैं आपको अपनी इस खास रिपोर्ट में कैसे एकता कपूर बनी टीवी इंडस्ट्री की एक बड़ी स्टार। टीवी की दुनिया की डायरेक्टर प्रोड्यूसर रहीं एकता कपूर ने महज 19 साल की उम्र में काम करना शुरू कर दिया था और करीब 25 साल से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को लगातार आगे बढ़ा रही हैं। बता दें आपको कि एकता कपूर ने कई ऐतिहासिक सीरियल्स भी बनाए जिन्हें लोगों ने काफ़ी पसंद किया। उनके खास और प्रसिद्ध सीरियल्स में से एक हैं क्योंकि सास भी कभी बहू थी, कहानी घर घर की, कसौटी जिंदगी की और कई ऐसे सीरियल रहे जो लोगों को अब तक याद हैं। अब आपको बताते हैं कि आखिरकार क्यों एकता कपूर ने शादी नहीं की। दरअसल एक इंटरव्यू में एकता ने एक बार बताया था कि जब वो छोटी थी तब वो जल्द से जल्द शादी करना चाहती थी, लेकिन वो 22 साल तक विवाह के बंधन में बंधने का सपना देख रही थी। जब वो 17 साल की थी तो उनके पिता जितेंद्र ने कहा कि या तो काम कर लो या फिर शादी, मैं चाहता हूँ कि अभी तुम काम करो बस, फिर क्या। एकता ने एक एड एजेंसी में काम करना शुरू किया लेकिन फिर इतने सालों में शादी का संयोग ही नहीं बना। बता दें आपको कि एकता कपूर सैरोगेसी से माँ भी बन चुकी हैं। एकता कपूर की एक पहचान और भी है, वो है कलावा, धागा और 5 अंगूठियाँ। दरअसल वो खुद को अंधविश्वासी नहीं मानती। एकता का कहना है कि मुझे नहीं लगता कि मैं अंधविश्वासी हूँ, मैं अपने विश्वास को मजबूत रख करती हूँ। ये आप पर निर्भर करता है कि आप मेरे विश्वास को कैसे देखते हैं। अगर आप विश्वास नहीं करते तो ये आपका अंधविश्वास है। एकता भगवान बालाजी की काफ़ी आराधना करती हैं, इसीलिए हमने कई फिल्म्स में जिसमें एकता कपूर प्रोड्यूस करती हैं तो बालाजी टेलीफिल्म्स का ही नाम देखते हैं। तो देखा आपने किस तरह से एकता कपूर ने अपनी मेहनत और सच्ची लगन के दम पर अपना एक अहम मुकाम बनाया और कहीं ना कहीं एक अलग पहचान बनाई। फिलहाल इस खास अपडेट में इतना ही, हमें दे दीजिए इजाजत और हाँ, हमारे चैनल एनपी न्यूज़ को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।